हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। आज के बाजार का जो खतरनाक रवैया देखने को मिला, उतार चढ़ाव, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, तो बाजार में दोस्तों लास्ट में जो बढ़त तक जो कायम रहा और बिल्कुल हाई पे जाके बाजार ने क्लोजिंग दी है, उसके पीछे दोस्तों 3-4 बड़े कारण देखने को मिले हैं। दोस्तों जहाँ तक मेरी रिसर्च मैंने जो की है उसके माध्यम से ये 3-4 बड़े कारण सामने देखने को मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कारण दोस्तों आपको मैंने एक सुबह ही बताया था दोस्तों कि मार्केट में 87,000 करोड़ की दोस्तों डील होने वाली है, जो कि जियो प्लेटफॉर्म यानी कि कुल मिला के मार्केट के लिए पॉजिटिव, चाहे वो जियो को मिले या रिलायंस को मिले, तो ये मार्केट के लिए जो बड़ी डील निकल के आई है 87,000 करोड़, उसमें से ये कौन मोबा डाला जो डील आई है उसके पश्चात मार्केट के लिए बढ़िया खबर देखने को मिली। दूसरी दोस्तों अगर यहाँ पे पॉजिटिव की मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, तो आपको चीन और जो भारत के बीच में जो तनाव चल रहा है उसमें चीनी मतलब अब समझौते के मूड में दिखाई दे रहे हैं और हो सकते हैं कि वो समझौता करते हुए दिखाई दे, ये खबर निकल के आई है। तीसरी दोस्तों मैं यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे क्रूड ऑयल से, जो क्रूड ऑयल दोस्तों स्थायी यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि बिल्कुल एक निश्चित प्राइस में, यानी कि जो औसत प्राइस जो क्रूड ऑयल वहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी क्रूड ऑयल जो मार्केट का सेंटिमेंट क्रूड ऑयल बिगाड़ देता है, उस वजह से दोस्तों यहाँ पे अब जो क्रूड ऑयल बिल्कुल एक औसत प्राइस में आके सेटल हो चुका है। पहले 1,000 के नीचे फिसला था तो काफ़ी डर हो गया था कि इकोनॉमी को क्या होगा, ठीक है काफ़ी सस्ता हो गया, पानी सस्ता हो गया, और पहले ये 5,000 के ऊपर जा रहा था तो काफ़ी महंगा हो गया है। अब क्या है जो क्रूड ऑयल 2,500 से लेके और 3,200 की जो प्राइस है दोस्तों औसत प्राइस है, उस बीच में यानी कि जो ऑयल कंपनियाँ हैं जो ये भी इनको भी अच्छा रहता है और जो पेट्रोल डीजल के भाव है और इकोनॉमी के लिए भी ये अच्छा रहा है। चौथा दोस्तों जो बड़ा दोस्तों यहाँ पे जो बड़ा कारण दोस्तों कि जापान की तरफ से ध्यान देंगे दोस्तों, जापान की तरफ से ऐसा कुछ निकल के आया है कि उन्होंने कोरोना वायरस से लड़ने की वैक्सीन पे कुछ हद तक कामयाबी पाई है। मैं पूरी नहीं कह रहा लेकिन कुछ यहाँ पे मेरे मीडिया पे मैंने कुछ नहीं भी पढ़ा है यहाँ पे कि कुछ हद तक जापान ने कामयाबी पाई है, उन्होंने कहा हमारी दवा को आप यूज़ में ले सकते हैं। फिलहाल ये खबर कहाँ तक सच है वो तो खुला तो हो ही जाएगा। तो ये दोस्तों 4 बड़े कारण यहाँ पे बाजार के लिए हैं जिसमें कोरोना पर मुका गया है कि वैक्सीन का नाम आ रहा है, उसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि चीन भारत के बीच में तनाव वो कम होता हुआ दिखाई दिया, इसी भी दोस्तों जो यहाँ पे मोबाइल डाला की बड़ी डील से वो भी सामने आई है, और इसी बीच दोस्तों और आपको जो मैंने फर्स्ट में बताया क्रूड ऑयल के बारे में वो तो यहाँ देखिए अगर बाजार का आज का पूरा यहाँ पे हाल देखें दोस्तों, मैं फटाफट यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि बाजार सिर्फ एक इंडेक्स को छोड़कर सारे इंडेक्स ग्रीन में क्लोजिंग दी है और बढ़िया क्लोजिंग दी है। सिर्फ MFCG को छोड़कर सारे इंडेक्स, चाहे वो ऑटो हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी कोई भी हो, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे सेंसेक्स के 30 शेयरों में 22 शेयरों में तेजी, और देख सकते हैं सेंसेक्स में 300 अंकों की तेजी, निफ्टी में 113 अंकों की तेजी, ठीक है। उसके पश्चात ये देखिए मोबाइल डाला डील से देखते हैं, मोबाइल डाला डील से रिलायंस के शेयर में देख सकते खतरनाक तेजी आई थी, 2% तक तेजी आई थी, और SBI के शेयर में देख सकते दोस्तों 9% तक की तेजी, जो कि SBI का अपना होल्डिंग कॉल का जो टारगेट था 150 से 190 का टारगेट कंप्लीट हो चुका है, और आज का टारगेट था इंट्राडे का 3 कंप्लीट हो चुके हैं। टाटा स्टील में 6% की तेजी, उसके अलावा बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक की तेजी आई है। इसके दोस्तों यहाँ देख सकते साफ लिखा हुआ है कि आज की मार्केट में जो MFCG को छोड़कर सारे इंडेक्स हरे निशान में क्लोजिंग दी है, बड़े क्लोजिंग दिया है, जिसमें निफ्टी में 4% की तेजी आई है, और निफ्टी जो PSU बैंक में उसमें तो खतरनाक रैली आई है, 5% के ऊपर की तेजी निफ्टी PSU बैंक में, जो कि मैंने आपको बताया था ये बैंकों की रीड की हड्डी है PSU बैंक दोस्तों, PSU बैंक और निफ्टी बैंक के शेयर उठा लीजिए और आपको मालामाल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी ज़्यादा नहीं, मैंने 15 दिन पहले ही बताए थे, और देख सकते सारे PSU बैंक कहाँ से कहाँ चले, SBI 150 से 190, यूनियन बैंक 220 से आ गया है 32 पे, और देख सकते हैं उसके अलावा और इंडियन बैंक वो 42 से आ गया है आज 55। तो ये दोस्तों आपको मैंने बताए थे सारे बैंकों के बारे में, फेडरल बैंक देख सकते हैं 35 से आ गया है आज 49, तो ये बड़े बैंक आपको मैंने बताया, PNB देख सकते हैं लगभग लगभग 25 से आ गया PNB, आज 34 आ गया PNB, हाँ 25 से 34, कल भी मंडे को भी धमाका करेगा। तो ये आज के पूरे दिन की कहानी है कि बाजार में 6 दिन की ब्रेक लगा था, उसमें सेंसेक्स निफ्टी और कमजोर अगर बंद हुई थी तो सारे ब्रेक को यहाँ पे फेल किया, और लास्ट आज मार्च सप्ताह का लास्ट का जो दिन था मार्केट का उसमें आज धमाका यहाँ पे मार्केट ने मचाया। 4 बड़े कारण हो सकते हैं, देखो और भी रिसर्च निकल के आएगी तो और भी बड़े कारण देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल दोस्तों ये मार्केट का पूरा हाल है आज का, इसमें देख सकते हैं आज मार्केट में जबरदस्त यहाँ पे धमाका देखने को मिला है। मिलता हूँ दोस्तों ऐसे लेटेस्ट अपडेट लेकर, जैसी अगर जो सज्जन दोस्तों पे ज्वाइन नहीं कर पाए हैं अपने चैनल को, यानी सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, तो लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और जो व्हाट्सएप पे दोस्तों इच्छुक है काम करने के लिए, तो आपको पता है व्हाट्सएप पे आज भी 4 कॉल दी थी मैंने बैंक निफ्टी, निफ्टी की चारों कॉल में कोई स्टॉप लॉस ने धमाका यहाँ पे मचाया बैंक निफ्टी निफ्टी कॉल में, और उसी के देख सकते हैं दोस्तों आज का धमाका, खतरनाक धमाका यहाँ पे देखने को मिला है, गजब का होल्डिंग कॉल्स में प्रॉफिट देख सकते हैं। SBI की कॉल दी थी मैंने 155-157 से देख सकते हैं, और ये काफ़ी अभी 10 दिन पहले ही दी थी दोस्तों, वो देख 190 का टारगेट रखा था, 190 का पूरा टारगेट यहाँ पे आ चुका है। इंडसइंड बैंक का 450 का टारगेट पहले ही कंप्लीट करवा दिया है, फेडरल बैंक का 40-62 का टारगेट रखा है दोस्तों, देख सकते 49 रुपये आ चुका है, इंडियन बैंक का दोस्तों देख सकते हैं 44 से यहाँ पे दिया था 70 का रखा टारगेट, बड़ा टारगेट रखा 55 तो यहाँ पे अभी आ चुका है। उसके अलावा दोस्तों आज का जो काम है, आज का काम देखते हैं इंडसइंड बैंक, SBI, एक्सिस बैंक, गजब का सभी में गजब का यहाँ पे धमाका देखने को मिला है, PNB में धमाका देखने को मिला है। देख सकते हैं दोस्तों आज का यहाँ पे फटाफट मैं रिकैप आपको दिखा देता हूँ, आज का रिकैप क्या रिकैप यहाँ पे फटाफट 2 डे देख सकते हैं, अभी 2 डे ले लेते अपन, ये 2 डे एक्सिस बैंक,
सेविंग इंडसइंड बैंक देख सकते हैं, उसके पश्चात यहाँ पे पीएनबी यूनियन बैंक देख सकते हैं, और एसबीआई की देख सकते हैं 182 से खोल दी, 181 से खोल दी थी, सॉरी दोस्तों 180 से, सॉरी 180 को ब्रेक करते हैं एसबीआई रॉकेट बनेगा, देख सकते हैं 180 को ब्रेक करते 182 384 टारगेट, 156.50 का स्टॉप लॉस, और 190 भागा है। क्या धमाका यहाँ पे देखने को मिला है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी की कॉल की अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी देख सकते हैं दो बार दो सेशन में यहाँ पे काम करवाया बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी का 8 देख सकते हैं, सुबह सुबह आपको काम करवाया 20,800 का टारगेट, दो टारगेट दिलवाए हैं, निफ्टी का टारगेट सुबह सुबह 10,150 का टारगेट आपको दिलवाया, 147 का हाई लगा मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था कि आप इसको बुक कर सकते हैं, वेरी बिग प्रॉफिट 9:30 पर ही यहाँ पे देखो बुक करवा दिया था ये सारी चीज़ें। उसके पश्चात दोबारा देखो यहाँ पे दोबारा से फिर से 11:11 के लगभग देख सकते हैं बैंक निफ्टी में 21,000 तक के टारगेट दिए गए थे और 21,200 बैंक निफ्टी चला गया है, और लोग यहाँ पे जो सिक्का उछाल उछाल के लोग अलग अलग चैनल पर यहाँ पे 16,500 के टारगेट 17,000 के टारगेट यहाँ पे दे रहे थे। दोस्तों कहाँ 16,000 कहाँ 17,000, यहाँ पे हम पागल थोड़ी दोस्तों, यहाँ पे रिसर्च करके बैठे हैं, 21,000 के टारगेट दे रहे हैं, हम उल्टा दे रहे हैं, वो हम उल्टा दे रहे हैं, वो उल्टा दे रहे हैं, तो पता है वो अंदाजे से यहाँ पे दोस्तों लाइव टेक्निकल चार्ट एनालिसिस की जाती है, अंदाजे से कोई चीज़ यहाँ पे नहीं होती दोस्तों, वो सिक्का उछाल लेते हैं, देख लिया क्रूडोल देख लिया डाउ जोन्स देख लिया, ऊटपटंग तरीके से देख लेते हैं और टारगेट दे देते हैं दोस्तों। यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस होती है दोस्तों, सुबह दो कॉल भी देख सकते हैं आपके सामने वेरी वीक प्रॉफिट दोनों कॉल में सक्सेसफुल, फिर से बैंक निफ्टी निफ्टी की दोनों कॉल दी दोनों कॉल सक्सेसफुल, यहाँ पे 21,000 का टारगेट, यहाँ पे 10,170 का टारगेट थे दोस्तों। ये है धमाका जो आपको सिर्फ एक दिन के गाइडलाइंस के तहत ही दोस्तों पूरे मंथ दोस्तों फ्री सेवा आपको मिलती है और बिग प्रॉफिटेबल कॉल दोस्तों आपको मिलती है दोस्तों एक दिन के ज्वाइनिंग के बाद। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।